हाँ जी सर, ये तो मुझे लगता है वैसे इकट्ठा हुआ है, लेकिन अपने तो सुंडी वाला फूल आपको दिखाते हैं। नरमे को कितना, ये जब आपने बीज भेजा था उसको कितना टाइम हो गया? सर ये होंगी मेरे को लगता है 5वें महीने की बात है, चौथे 5वें महीने की बात है। ये भी सही है फूल अपना, इसमें भी सुंडी नहीं है और बहुत सारे टिंडे वैसे खराब हो चुके हैं सुंडी की वजह से। ये दर्शकों को बता दें, एरिया ये 2 DM। 2 DM है जी, अच्छा, और यहाँ की फसलें काफ़ी पक्की बताई जा रही है। जमीन ने पक्की बताई जाती है। अच्छा, और नरमा लगभग देखिए कुछ कुछ फूल आपके निकलने लग गए हैं। इसे टाइम से अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, टाइम से कलेक्ट कर लिया नहीं तो ये जाए। भी ख़राब हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें सुंडी है, सुंडी ने इसको ख़राब कर दिया। इसमें टोटल 4 पार्टीशन 1 2 3 4 होते हैं, तो ये वाला तो क्या ही क्या। अच्छा, सुंडी एक एरिया में रहती है क्या? एक में नहीं रहती जी सुंडी, एक्चुअल में तो पूरा टिंडा ही खा जाती है, लेकिन कई बार बढ़िया बीज रहता है, बीटी अच्छा रहता है, तो नहीं आगे बढ़ती। देखो, एक खा की, दो और तीन, तीन पार्टीशन सही हैं, एक ख़त्म कर दिया उसने। नहीं जी, दो ख़त्म हो गई है, देखो दूसरे में भी है, ये भी खा रही है इसको। ये देख रहे होंगे आप, छोटी सी लट सी है, जूम करके देखो आप। एक मिनट हिलाओ मत। अच्छा, ये वाइट वाइट है। इट्स सुंडी। अब ये 4 में से 2 थड़ियाँ खा गई, और और ये नॉर्मल टिंडा है, हो सकता है चारों को भी खराब कर दे हैं। और अभी हो सकता है चारों को भी खा सकती है, लेकिन दो तो इसने ख़त्म कर दी, मतलब अच्छा, 50% इसका गया। तो इसके अब प्रिकॉशंस ऐसे प्रिकॉशंस इसके, देखो स्टार्टिंग में जब होता है, मान लो टिंडा फूल बन रहा है, जब ये वाली स्टेज है, ये फूल तो भी पूरा बन चुका है, लेकिन अगर अपने बात करें फूल की, कुछ इस तरह का फूल जब लगता है ना, उस जिसको, टाइम पे इसके अंदर यहाँ पे बैठ जाएगी सुंडी अच्छा, और फूल खाने लग जाएगी। फूल से फिर ये वाली जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ है, इसमें सीधी डायरेक्ट अंदर चली जाती है, ठीक है। ठीक है, और फूल खा जाएगी, अंदर चली जाएगी, टिंडे में घुस जाएगी। जब टिंडे में घुस गई, यहाँ पे क्या, जब अंडा देगी ना, इस तरह से बंद हो अच्छा, और जाती है। आगे से आगे बढ़ती जाएगी वो क्या हाँ, मतलब? अब यहाँ पे जब अंडा देता है ना कोई भी, इसका कीट या सुंडी वगैरह जो भी होती है, तो इसके ऊपर यहाँ पे अपनी लार फेंक देती है, फिर ये ऐसे पत्ता इकट्ठा हो जाता है सारा। ठीक है, फिर आप स्प्रे कर लो इसके ऊपर, कुछ भी कर लो है, कुछ भी कर क्योंकि लो, वो तो थोड़ी अंदर असर पैक होगी, होगी, वो तो अंदर पैक होगी। जब तक ये ऐसे टिंडा खुला है, तभी उस इसके पे अंदर आप स्प्रे मार दोगे तब तक ये, अब ठीक, टिंडे के अंदर चली गई, कोई मर्जी स्प्रे कर दो, कोई मर्जी कंपनी की तगड़ी से तगड़ी, वो तो जब कोई दिक्कत अंदर नहीं है, पहुंच ही नहीं पाएगी अंदर तो पहुंच ही नहीं पाएगी ना। ठीक ये है। देखो, जिस टिंडे में ऐसे आ रहा है ना, बड्डे से लगे हुए हैं, इकट्ठा हुआ पड़ा टिंडा, ये देखो इसमें भी सुंडी ने मोरी निकाल रखी है। अंदर से मतलब हाथ पैर अंदर से मारते, सारे, मतलब ये लगभग टिंडे हैं, इनमें सुंडी है। ठीक है। तो क्या संदेश देना चाहोगे किसान भाइयों को, आप टाइम से संभालते संदेश रहें? क्या, तो सर देखो इसकी क्या है ना, अभी इसको बॉल गार्ड सेकंड वैरायटी जो है वो चल रही है नरमे की, या तो इसका बीज अपडेट हो या फिर नरमा बीज ना छोड़ दें, दो ही ऑप्शन है। ये टिंडा सही है, ये सही है टिंडा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो या तो नरमा बीज ना छोड़ना पड़ेगा, या फिर इसकी जो आगे के अपडेटेड वैरायटीज जो आ रही हैं, क्योंकि आप इंडिया में तो यही चल रहा है। बहुत साल हो गए मुझे देखते हुए, छोटा सा था तब से, बीटी के नाम अभी पे आप बॉल गार्ड छोटे ही हो। सेकंड बिक रहा था, और अब भी वही बिक रहा है, बाकी बाकी देशों के अंदर आ गया है, 4th 5th तक आ गया है टेक्नोलॉजी बॉल बहुत गार्ड। बड़ी है, लेकिन उसका अभी तक किसान भाइयों को इतना फायदा नहीं मिल पाया। और इसके पीछे भी सर एक राजनीति है, अगर अपने बात करें तो, ये वाला फूल भी खराब हो गया क्या? नहीं ये टिंडा बन गया इसके नीचे देखो, अच्छा, तो तो वो फूल ये छोड़, अब वेस्ट हो गया, अब ये यहाँ से निकल के अलग हो जाएगा, ठीक है, इसका काम पूरा हो गया अब। ओके। जैसे ये हाँ जी, ये निकल जाएगा, गिर जाएगा नीचे, टिंडा बनने के बाद ये निकल जाता है फूल ठीक है, और इसको इस भी तरह मैं, से। नहीं ये नहीं ये सही है। सही है, और ये जो अभी आपका नरमा तैयार हो चुका है, जो चीज़ कॉटन निकल रही है, अब पानी लगा हुआ है, इसमें जमीन गिल्ली है थोड़ी सूखेगी, तो वैसे ही इसको लगा अपने देंगे। फ्लैट कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या रेट चल रही है चुगाई वगैरह आपकी, या अभी फाइनल अभी सर होगा? लास्ट ईयर 10 के नियर बाई थी, 10 रुपये बाकी 1 KG का। हाँ जी, बाकी अपने इधर क्या है ना, अपने तो बंदे हैं परमानेंट, वो ही करेंगे। और इसमें सर ये मिली बग गोरागी है, ये एक छोटा सा जी होता है मिली बग, ये एक भुट्टे को खा जाता है, इस पर अपने को स्प्रे करनी पड़ेगी। टू बी नोटेड माई लॉर्ड। अब क्या होता है सर, ये अभी जैसे पुराना वर्जन चल रहा है अपने बीज की बात करें, तो इस बार सुंडी आ गई, तो लोगों ने स्टार्टिंग से स्प्रे करनी स्टार्ट कर दी, हर एक हफ्ते बाद स्प्रे करनी पड़ेगी आपको।
और स्प्रे फूल जब तक खुला है तब रिस्क तक रिस्क असर करेगी, और मान के चलो हर दूसरे तीसरे दिन नया फूल ऐसे खिल जाता है पूरा, और उसको कवर होने में 1 से 2 दिन ही लगते हैं। लेकिन फिर भी अपने मैक्सिमम माने चलो 1 हफ्ते बाद भी अगर आप स्प्रे करते हो तो इसके ऊपर कम से कम आपकी 10-12 स्प्रे हो जाती हैं। और स्प्रे कौन सा सस्ती आती है? पेस्टिसाइड बहुत महंगा है, पेस्टिसाइड कंपनियों ने 4-4 गुना तो MRP आगे की वैरायटी जो इसकी थी वो लाने नहीं दे रहे, वो लाने नहीं दे रहे जो कि सुंडी को रोकती है। सुंडी नहीं आएगी तो फिर स्प्रे नहीं करेंगे लोग, स्प्रे नहीं करेंगे। 20 से ज़्यादा प्रॉफिट इनको पेस्टिसाइड में हो रहा है तो ये आगे की वैरायटी लेके आ रहे हैं। पहले कॉटन के ऊपर स्प्रे करते थे तो करनी पड़ती थी स्प्रे, मजबूरी थी। पानी लगा हुआ है, पैर दस गया, नहीं दिया, पुट्ठे देखते रहते हैं, अपना खोल के चलते नहीं अजकल दे मुंडे। ठीक है, तो मतलब किसानी इतनी इजी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। सर ये 5 बीघा गवार ये था अपना, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, जिसकी अपने अच्छा मतलब उगा हुआ बढ़िया गवार था ये। अच्छा, 4 क्विंटल बीघे की एवरेज अगर अपने नॉर्मल लेके चलें जो एवरेज निकलती है अपनी, वैसे तो क्या अब तक 5 भी होता है, 20 क्विंटल निकल जाता आपका। हाँ 20 क्विंटल तो मानो निकल जाता, ठीक है। और 5000 का रेट रख लो आप तो लगभग 1.25 लाख का अपना गवारा था मान लो, लंडा तो 5 बीघों में हो गया। और उधर आपको मैंने दिखाया था वो साथ में था, बिल्कुल ही बिरला था, उसमें से मान के चलो 4 क्विंटल बीघे का निकल रहा था, तो इसमें 5 बीघों में 4 क्विंटल नहीं निकलेगा। इसमें फिर क्या कारण रहा आपका, ज़्यादा पानी कम, बारिश होगी? अच्छा, ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है। और ना होती सर फिर भी दिक्कत थी, पानी ना हो तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। देखिए ये चीज़ें भी, नई नई चीज़ें हमें पता लग रही हैं। और अब इसमें अपने बात करें उधर वाला, वो 4 बीघे का 4 क्विंटल होना था, वो सारे में 4 क्विंटल हो गए। अच्छा, उधर जो गुवारा है वो जो सामने है कितना बिरला है वो। ठीक है, चलो फिर भी सरकारें जो है बिल्कुल नहीं सोचती है किसानों के बारे में, उनको डीजल भी कोई सब्सिडी रेट पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि डीजल पेस्टिसाइड इस पर एक बड़ी मात्रा में खर्चा होता है और वो ही बड़े महंगे दामों पर मिलती है इन्हें। पेस्टिसाइड तो आप मानेंगे नहीं, 4-4 गुना इनका जो MRP रख दिया जाता है पहले से ही, और वो 10% छूट भी दे देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना मतलब ज़्यादा रेट होता है इनका। तो यही है हमारी तरफ से, तो सरकार से गुजारिश है कि किसानों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, इनकी जो मांगे जायज़ मांगे हैं वो तो पूरी करें कम से कम, कुछ नाजायज़ मांगे भी होती हैं मानते हैं, लेकिन फिर भी जायज़ मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को यहाँ तक देखा दोस्तों, उसके लिए धन्यवाद। और इस तरह के कंटेंट अगर आप आगे भी चाहते हैं तो हमें बताएं, हमें कमेंट करके, हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। ये हमारा, ये देखिए, सर अगर आप दातन करने का शौक रखते हैं तो आप यहाँ दातन, दातन इसकी थोड़ी होगी, उसकी होगी, नीम की नहीं होती क्या? ताली, ताली सर शीशम की दातन जो ऐड करके वो, अच्छा बबूल वाले, बबूल वाले, और वो है ना आपके शीशम बबूल के गुण, ये शीशम है सर। अच्छा अच्छा, ताली कह देते हैं अपने इसको, और बबूल आपका वो होती है किक्कर। अच्छा, नीम तो कड़वा बहुत होता है सर, हर बंदा नहीं करता, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कड़वी चीज़ें गुण करती है आजकल तो। ये देखिए किसान भाई सोलर भी लगा रहे हैं अपने खेतों में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।